हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, एनसीटीई के चेयरमैन का स्टेटमेंट आ चुका है और जो बातें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर और जो ओपनली ऑफिशियल बातें रखी गई है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जो भी जानकारी आई हुई है ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ इसे शेयर करना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, एनसीटीई के चेयरमैन के स्टेटमेंट के बाद ये बिल्कुल ही आप साफ मान लो, पूरी वीडियो उनकी 1 मिनट 32 सेकंड की है और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि भैया अब हो गया, बेड वाले का बोरिया बिस्तर बंद करना होगा, बांधना होगा, प्राइमरी से वो बाहर जा चुके हैं। ये क्रिस्टल क्लियर है। और अब बीपीएससी वाले के लिए मैं बता दूं, बिहार टीचर वाले के लिए ये सेटबैक है, बीएड वाले के लिए ये सेटबैक है कि वो अब इस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलेंगे कि तू बीटीसी का दलाल है, कुछ लोग बोलेंगे तू बीएड का दलाल है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप तुरंत ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो जाते हो। हर चीज़ों को ग्रे के तौर पे देखना चाहिए, कोई भी चीज़ ब्लैक या वाइट नहीं होती है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, तो मैं कोशिश करता हूं और वो चीज़ें आपके साथ साझा करता हूं। तो चलिए, एनसीटी के जो चेयरमैन हैं सिंह जी, उनका बयान आ चुका है, आपके साथ में साझा कर देता हूं और इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच। शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटीएफ के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो एक साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे, लेकिन हाँ स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं, होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से पांचवीं एक, पांचवीं से आठवीं एक, और आठवीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के, तो उससे यह है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। ये इस पूरे